लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित कालका शहर के रहने वाले मेल एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड राज सिंह दहिया ने लॉकडाउन के दिनों में 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया है और यह एग्जीबिशन उनके घर में 3 मंजिला इमारत में लगी है और इस एग्जीबिशन को देखने वाले भी सिर्फ 3 लोग शामिल होंगे, जिनमें उनकी पत्नी, बेटी और बेटा शामिल हैं। भारतीय रेलवे गार्ड राज सिंह दहिया ने यह एग्जीबिशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती के मौके पर लगाई है और इस अवसर पर इस एग्जीबिशन में बाबा साहब के दुर्लभ चित्र शामिल किए गए हैं जो किसी के पास नहीं होंगे। साथ ही इसमें करेंसी और कई चीज़ें शामिल की गई हैं और ये एग्जीबिशन ऑनलाइन रहेगी। पुराने सिक्कों की कलेक्शन इस एग्जीबिशन का हिस्सा रहेंगी और इसमें पुरानी माचिसों के कवर के साथ साथ प्राचीन बर्तन भी कलेक्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। और लॉकडाउन के दौरान पहली बार अनूठे ढंग से यह एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 3,000 से अधिक कलेक्शन, 3 दिनों के लिए देखने वाले भी 3 लोग और 3 मंजिला इमारत में इस एग्जीबिशन को प्रदर्शित किया गया है। गौरतलब है कि रेलवे गार्ड राज सिंह दहिया पहले भी कई बार इस तरह की एग्जीबिशन लगा चुके हैं, लेकिन पहले भारी संख्या में लोग उनकी एग्जीबिशन की तारीफ करते थे। अब फर्क यही रहेगा कि अब इस एग्जीबिशन को देखने के लिए कोई नहीं आएगा और इसलिए रेलवे गार्ड राज सिंह दहिया ने इसे लोगों के लिए ऑनलाइन देखने की पहली बार सुविधा दी है। कोरोना वायरस के आउटब्रेक के चलते देश में लॉकडाउन है। सभी देशवासियों से विनती है कि वे लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 129वीं जयंती पर एक ऑनलाइन एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाबा साहब के दुर्लभ चित्र, स्टैंप्स, फर्स्ट डे कवर, भारत सरकार द्वारा जारी सिक्के अथवा भारतीय रेल, महिलाओं, सिख धर्म, महात्मा गांधी, देश विदेश के करेंसी नोट, माचिस व पुराने बर्तन आदि का संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी 3 दिन 3,000 से ज्यादा कंटेंट्स के साथ ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। आप इस चैनल और पेज को सब्सक्राइब करें और इसका आनंद उठाते रहें।